Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Srishti, welcome to IWMverse. Hi, thank you. So, आपकी जर्नी में तो आपने स्टार्टिंग में सबको दोस्त बना लिया था, पर निकलते निकलते बहुत सारे दुश्मन बन गए थे, तो आप उसमें क्या बोलना चाहोगे? नहीं, आई थिंक मेरी जर्नी में बहुत स्लो प्रोसेस में लोग मेरे दोस्त बने, कोई भी मेरा दोस्त एकदम से नहीं बन गया था, और यही ब्यूटी थी मेरी जर्नी की, बिकॉज लोगों ने पहुंचते ही दोस्त बना लिए थे. मैंने बहुत टाइम लिया था दोस्त बनाने में, और इसीलिए केवी और मेरी दोस्ती अब जाके स्ट्रांग हुई थी, क्योंकि हमने जाते ही दोस्त नहीं बना लिया बनाने के लिए या कुछ टीम बनाने के लिए. मेरे सबसे अच्छे बॉन्ड्स, मेरे मोस्ट ऑफ द लोगों से अच्छे बॉन्ड्स ही बने हैं, और आई थिंक जिन लोगों के साथ मेरा बॉन्ड या कुछ नहीं हो पाया वो सिर्फ जसलीन और दीपिका है, बाकी सबके साथ मेरा बहुत अच्छा था. ओके, रोहित के बारे में आप जानते हैं कि रोहित का फ्लर्टनेस एंड क्लोजनेस इज टू वर्स लाइमलाइट, एंड वो बोला जाता था कि सृष्टि सिर्फ रोहित की वजह से दिखती है, तो आप उसमें क्या बोलोगे? शायद आपने वो एपिसोड नहीं देखा जहाँ पे वो एपी फर्स्ट कॉलर रवीक ने बोला था कि ये बोला गया है घर के अंदर की सृष्टि रोहित की वजह से बची है, लेकिन बाहर तो ऐसा लग रहा है कि रोहित दिख रहा है सृष्टि की वजह से. ये कॉलर ने खुद बोला था, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन थी, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे वजह से दिख रहे थे या मैं उनकी वजह से. आई थिंक हमारी बॉन्ड इतनी अच्छी थी कि हम दोनों एक दूसरे की वजह से दिख रहे थे. अगर हम दोनों कुछ अच्छा कंटेंट दे रहे थे शो को, हम फन कर रहे थे और वो लोगों को अच्छा लग रहा था, उसमें अच्छी बात है. और हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही प्योर थी, हम दोनों के अंदर एक बच्चा है जो हम एक दूसरे को इरिटेट करते थे, फन करते थे, और वो प्योर फ्रेंडशिप थी जो लोगों ने, उस घर के लोगों ने अलग वे में ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो फेल हो गए. और दूसरी बात, उसका जो फ्लर्टेशियस नेचर है, जो भी हो किसी के साथ, मुझे उसमें कोई लेना देना नहीं है. वो एज अ पर्सन मेरे साथ अच्छे थे, एंड दैट्स व्हाट ऑल मैटर. और हमने ये भी देखा था कि केवी, रोहित और आप एक अच्छे ग्रुप बन गए थे तीनों जन, तो ये आपको क्या लगता है ये ग्रुप कितना दिन चलता और कब तक जाता है? काफी चला था, हमारा ग्रुप का नाम था SRK. और सोचो नाम में इतना दम है, मैं एस, रोहित आर और केवी के, तो SRK जो हमारा ग्रुप था, हम मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनने लगे ही थे कि ये हो गया. मतलब ये बहुत ही सैड था. आई थिंक अगर हम रहते और तो बहुत ही फन करते, हम बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमने सोची हुई थी करने के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली अभी लोग देख नहीं पाएंगे, बट अगर मैं होती उस घर में उन दोनों के साथ तो बहुत फन होने वाला था आगे. ओके, लास्टली आप फैंस को क्या बोलना चाहोगे? और सब आपको मानते थे कि आप बहुत स्टाइलिश थी और बिग बॉस 12 हाउस में, तो उनके लिए क्या एक मैसेज देना पसंद करेंगे? थैंक यू कि आपको मेरा मेकअप, मेरे हेयर स्टाइल्स, मेरे कपड़े इतने पसंद आए, क्योंकि उस घर में मैं फालतू का दिमाग किसी झगड़े में लगाने से अच्छा मैंने सोचा अपने आप पे लगाती हूँ, अपने हेयर स्टाइल्स पे, अपने मेकअप पे, अपने कपड़ों पे मैं कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, तो जो कि बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए, अच्छा मैंने सही जगह पे दिमाग लगाया. एंड लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और हमने ये भी देखा था कि हम झगड़े के बीच में डांस भी करना स्टार्ट कर देती थी. हाँ, मुझे अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे माइंड में म्यूजिक चलते रहता है 24 घंटे, तो मैं सोचती थी इनकी बकवास सुनने से अच्छा मैं अपना म्यूजिक ऑन करके अपना एंजॉय करना शुरू कर दूँ. Hi, this is Srishti and you are watching me on IWM Buzz.